इंडियन रेलवे इतना बड़ा जाइंट नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स एंड ट्रैक्स, कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, ये पूरा सिस्टम कैसे रन करता है, इट्स अमेजिंग हाउ दे मैनेज इट। और ये हमारे इंडिया के लाइफ लाइन है। कभी आपने सोचा है कि जब ये नेटवर्क शुरू हुआ, जब इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई होगी, तब ये कैसा रहा होगा, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कितनी दूरी चला, और मोर इम्पोर्टेंटली कितने बजे सबसे पहली ट्रेन चली? क्या आपने सोचा कभी इस बारे में? अगर नहीं और अभी सोच रहे हैं तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर डिस्कवर करते हैं कि इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कितने बजे चली। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में आपके लिए है 15 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसको देखते हुए ना सिर्फ आप लर्न करोगे, इनफैक्ट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी और आप इंटरटेन भी होंगे। गेन नॉलेज वाइल हैविंग फन, इट्स अ विन-विन सिचुएशन, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो माइट हेल्प योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो यू वोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। आगे बढ़ते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका आरोहन। ऑल राइट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1-15 ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारी इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, तो मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर 1-15 ज़रूर देखें। हमारे फर्स्ट वीडियो में उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन स्टेट टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दिस ईयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा भारतीय प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस साल सबसे ऊपर था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब वो स्टेट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बिजनेस शुरू करना और बिजनेस को सस्टेन करना, मैनेज करना, रन करना ईजी हो, उस बिजनेस के लिए फॉर्मेलिटीज़ कम हो वहाँ पे, ऐसा स्टेट। तो जहाँ पे भी ये पॉलिसीज़ अच्छी रहेंगी, जहाँ बिजनेस के लिए कम प्रॉब्लम्स होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ़ बिजनेस ज़्यादा ओपन्स होंगे, तो वो उस स्टेट के डेवलपमेंट पे भी एड अप होता है। तो इसको बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। इस साल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया के अंदर स्टेट्स के बीच में जो रैंकिंग हुई, उसमें आंध्र प्रदेश ने रैंक को टॉप किया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई इज अ रेगुलरिटी बॉडी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ट्राई एक रेगुलरिटी बॉडी है जो कि इनमें से किन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मतलब ट्राई बेसिकली कौन से सेक्टर को कंट्रोल करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसपोर्ट, बी है टूरिज्म, सी है टेक्निकल एजुकेशन और डी है टेलीकॉम। मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि अभी जब से जियो रिवॉल्यूशन आया है तब से सब के सब ट्राई के बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। फिर भी आपने बिल्कुल सही गैस किया, आंसर इज डी, टेलीकॉम सेक्टर। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राई है वो मेक श्योर करती है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, किसी की मोलोपोली इस्टेब्लिश ना हो, तो ये इसके लिए काम करती है और बेसिक जो रूल्स और पॉलिसीज बनाने का काम ट्राई का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, बिंबिसार वॉज सक्सीडेड बाई। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार थे एक राजा जो कि
मगध साम्राज्य के सम्राट थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बिंबिसार के बाद किनको सत्ता मिली या इनके बाद किन्होंने मगध साम्राज्य पे राज किया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है वासुदेव और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और इनको लीगली या नॉर्मल वे में सत्ता नहीं मिली थी। इन्होंने अपने पिताजी बिंबिसार को फोर्सफुली उनसे मगध साम्राज्य को छीन लिया था और इनको बंदी बना दिया था। तो ऐसे इन्होंने अपने लिए मगध साम्राज्य को छीन लिया था अपने पिताजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू डिपेंड 100% ऑन सोलार एनर्जी इज। इसमें पूछ रहा है कि भारत की वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 100% अपनी एनर्जी के लिए सोलार एनर्जी पे डिपेंडेंट है। मतलब वो ना तो कोल का इस्तेमाल करती है ना ही किसी और तरीके के एनर्जी के लिए, जो बिजली जो यूज़ करते हैं हम उसको प्रोड्यूस करने के लिए किसी और सोर्स को यूज़ करती है। सिर्फ और सिर्फ सोलार एनर्जी के थ्रू ये यूनियन टेरिटरी अपनी पूरी नीड्स को कंप्लीट करती है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शंस है ए चंडीगढ़, बी दीव, सी अंडमान निकोबार और डी है पुडुचेरी। तो इसका आंसर है बी दीव। दीव ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी रिसेंटली ही ये लैंडमार्क अचीव किया है कि ये 100% इनकी सारी एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी एनर्जी ये सोलार एनर्जी के थ्रू ही प्रोड्यूस करते हैं और कोई सा भी मोड यूज़ नहीं करते हैं। ये टोटल 13 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं सोलार एनर्जी के थ्रू। इनके रिक्वायरमेंट टोटल 13 मेगावाट की होती है। इन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट सोलार एनर्जी सोलार के थ्रू सोलार पावर को यूज़ करके इतना ह्यूज अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिसमें से 3 मेगावाट जो है सोलार एनर्जी इनको मिलती है लोगों को घरों के रूफ टॉप पे, छत पे जो सोलार प्लेट्स लगे हुए हैं, सोलार सिस्टम एनर्जी सिस्टम जो लगा हुआ है, आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा। तो उनके थ्रू इनको 3 मेगावाट ये जनरेट करते हैं और रिमेनिंग 10 मेगावाट्स जो है इसके लिए इन्होंने प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं, डेडिकेटेड प्लांट्स, जैसे कि हमारे इधर कोल के प्लांट्स होते हैं, थर्मल जिसको बोलते हैं और हाइडल पावर प्लांट होते हैं, वैसे ही इन्होंने सोलार एनर्जी के लिए। अगर आप बाकी स्टेट्स में भी सोलार एनर्जी को यूज़ करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव ली गई है, मगर दीव ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 100% इस एनर्जी को यूज़ कर रहा है। दैट इज़ वेरी गुड एंड ग्रीन एनर्जी है टोटल, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। स्टेशन वेयर द रेल लाइन एंड इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है हमसे कि वो स्टेशन जहाँ पे रेल की लाइन, रेल की पटरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस स्टेशन को क्या बोलते हैं, जहाँ पे आके डेड एंड होता है, कुछ नहीं होता आगे उसके, उस स्टेशन में आकर के ट्रेन कहीं नहीं जाती। दैट मीन्स या तो वो स्टार्ट होगा या तो वो एंड होगा। तो आपने अगर मुंबई का CST या चर्चगेट स्टेशन देखा होगा तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि एक पॉइंट आने के बाद रेलवे ट्रैक्स ख़त्म हो जाती है, पूरा डेड एंड है और उसके बाद फिर सिर्फ प्लेटफॉर्म बचता है, स्टेशन बचता है। तो ऐसे स्टेशंस को क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है जंक्शन स्टेशन, ऑप्शन बी है वे साइड स्टेशन, ऑप्शन सी है ब्लॉक स्टेशन और ऑप्शन डी है टर्मिनल स्टेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी टर्मिनल स्टेशन। मतलब जहाँ पे आके रेल ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है टर्मिनल स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड रैमन मैग्नेसिस अवार्ड 2018। बोलता है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 इनमें से किन को मिला। ऑप्शंस में हम देखेंगे वो किन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखने से पहले हम जान लेते हैं कि ये अवार्ड है क्या, रैमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या,
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये जान लेते हैं। तो ये होता है एशिया के लोगों के लिए, एशिया के लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस को, संस्थाओं को, उनके अपने स्पेशलाइजेशन मतलब अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उन्होंने अगर कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। इसको नॉर्मली हम एशिया का नोबल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है एशिया के लिए, एशिया का नोबल प्राइज़ कहा जाता है इसको। ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है इनका, रेमन मैग्सेसे नाम है जिस, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, और इनका एक फाउंडेशन है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है किनको, जो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य करते हैं, उन लोगों को या उन संस्थाओं को। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस है ऑप्शन ए भारत वटवानी, ऑप्शन बी सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर देखते हैं क्या है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट मींस बोथ ऑफ द अबव, मतलब भारत वटवानी और सोनम वांगचुक दोनों को ये अवार्ड मिला है 2018 में। तो भारत वटवानी कौन है? भारत वटवानी एक साइकैट्रिस्ट है, मुंबई बेस्ड, मुंबई के रहने वाले साइकैट्रिस्ट हैं। इनका खुद का एक फाउंडेशन है और ये हेल्प करते हैं मेंटली इल लोगों को, और उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने अपना फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया था 1989 से, और अपनी वाइफ के साथ मिलकर तब से ये लगातार काम कर रहे हैं इस फील्ड पे। और सोनम वांगचुक, इनके बारे में तो शायद आप जान ही रहे होंगे, ये वही पर्सन है जिनके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी बनाई गई है और जिसमें लीड कैरेक्टर इनके ऊपर ही बेस्ड था। तो मेरे ख्याल से आपको इनके बारे में पता होगा, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चाहो तो इनके बारे में कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लिख देना वहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। इनकी डिटेल्स आपका, आपको उसका एक प्रॉपर सोर्स हम बता देंगे कि आप कहाँ से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, चौथा बुद्धों का काउंसिल कहाँ पर हुआ था? बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो टोटल 6 बार कंडक्ट किया गया था, 6 बार ये ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला काउंसिल हुआ था 400 बीसी में, सेकंड काउंसिल हुआ था 383 बीसी में, थर्ड काउंसिल हुआ था 250 बीसी में, और फोर्थ काउंसिल हुआ था 72 एडी में, फिफ्थ हुआ था 1871 में, एंड देन फाइनल सिक्स्थ हुआ था 1954 में। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है फोर्थ नंबर का काउंसिल कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ पे हुआ था। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी बोधगया। तो इसका आंसर है सी कुंडलवन। कुंडलवन प्रेजेंटली में कश्मीर में, बोला जाता है कि कश्मीर में है, इस प्लेस को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया गया है, बट यही वो प्लेस है जहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया मूविंग अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। इंडिया मूविंग अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन एक बुक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है। ये बुक जो है वो बहुत ही एक, इसका थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो दिस माइट बी अ गुड रीड फॉर यू। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है इसका। तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है ए ग्रेग ब्रूनो, बी विक्रम सूद, सी करण थापर, एंड डी चिन्मय टुम्बे। तो ऑप्शन है डी चिन्मय टुम्बे। चिन्मय टुम्बे ही इस इंडिया मूविंग अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन बुक के ऑथर हैं, और ये करंटली में अभी आई एम अहमदाबाद में लेक्चरर हैं, यहाँ की फैकल्टी हैं। चिन्मय टुम्बे अभी करंटली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में फैकल्टी मेंबर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन।
कौन सा ऐसा तत्व था जिसको इंसान ने सबसे पहले इस्तेमाल किया? ऑप्शंस देखते हैं, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास। और आंसर है हमारे पास ए, कॉपर। कॉपर ऐसा मेटल था जिसको इंसान ने सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, और इससे हमारे पूर्वजों ने यूज़ किया था इसको वेपन्स और टूल्स को बनाने के लिए, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया? भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी उसने कितनी दूरी तय की थी? आप सबको शायद पता होगा कि पहली ट्रेन कब चली थी, कहां से कहां तक चली थी, तो यहां पे लेकिन पूछ रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था। अच्छा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कौन सी डेट पे चली थी और कहां से कहां तक चली थी। यहां पे तो हमको पता चल जाएगा कितनी दूरी तक चली थी, बट ये आपको शायद पता होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि ये इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी 36 किलोमीटर, ऑप्शन सी 34 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी सेज 38 किलोमीटर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 34 किलोमीटर। तो इंडिया में सबसे पहली ट्रेन जिसने ट्रेवल किया था वो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तक चला था। 34 किलोमीटर्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता, इसका यूनिट अगर चेंज करके पूछा जाता है कि कितने माइल चली थी करके, वैसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया में बेसिकली किलोमीटर ही हमारा स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अगर फिर भी माइल्स में अगर बोलें तो 34 किलोमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 माइल्स, तो आप बोल सकते हैं अगर माइल्स में ऑप्शन दिया है तो 21 माइल इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यूज ऑफ प्लाउ हैज बीन एविडेंस्ड एट, मतलब प्लाउ का इस्तेमाल, प्लाउ मतलब क्या, प्लाउ मतलब हल, हल जो खेत जोतने के काम आता है उसको बोलते हैं प्लाउ। तो इसका इस्तेमाल, हल का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है, कहाँ पे दिखता है हल का इस्तेमाल, मतलब ये बात कर रहे हैं हम एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री में जो कल्चर्स थे उनमें कौन से कल्चर में हमको इनका इस्तेमाल दिखता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ये एक्चुअली में प्लेसेस के नाम है, कल्चर का नाम नहीं है, प्लेसेस का नाम, मतलब उस कल्चर के अंदर जो सिटीज़ थे, जो जगह थी, उन जगह में कौन सी जगह पे हल का इस्तेमाल दिखता है। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी खुदाई की है जिससे हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उसमें किस जगह पे ये एविडेंस मिला है कि हल का इस्तेमाल हुआ है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, दिखेंगे जो, वो सारे प्लेसेस के नाम हैं जहाँ पे इन कल्चर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोलता है कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी बनवाली। आंसर है हमारे पास कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में हल का इस्तेमाल हमको दिखाई देता है। ये जो कल्चर था, ये इस जगह पे हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंटली देखें तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। अगर और भी इसकी डिटेल जानना चाहें तो इट इज़ लोकेटेड 205 किलोमीटर फ्रॉम बीकानेर, बीकानेर से कालीबंगा जो प्लेस है वो 205 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वहाँ पे क्लियरली एविडेंस है कि इस जगह पे हल का इस्तेमाल तब के समय किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में सबसे पहला भूमिगत रेलवे कब शुरू हुआ, मेट्रो रेल जिसको बोलते हैं वो कब शुरू हुआ। ऑप्शंस देखते हैं, ए 1980, बी 1982, सी 1984 एंड डी 1986। इसका आंसर है
सी 1984 में सबसे पहले इंडिया में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई और वो जगह थी कोलकाता। अगर हम डेट की बात करें 1984 में, तो टू बी एग्जैक्ट बोलना चाहें अगर इसको, तो दैट इज़ 24 अक्टूबर 1984 को ये शुरू हुआ था मेट्रो रेल कोलकाता में। और तब जिस टाइम पे शुरू हुआ था उस टाइम पे 3.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसको शुरू किया गया था, 3.4 किलोमीटर के ट्रैक पे शुरू किया गया था जिसमें 5 स्टेशन आते थे। और उसके एक महीने बाद ही इन्होंने एक्सटेंशन शुरू कर लिया था और इसको आगे बढ़ा दिया था, एक महीने एक साल में थोड़ा सा एक्सटेंशन करके ये और भी लंबा दूरी तय कर रहा था। बट शुरुआत जब हुई तब 3.4 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने तय की। अच्छा, ये तो इंडिया की बात हो गई। अब इसी से जुड़ा हुआ हम जान लेते हैं कि दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन कहाँ शुरू हुआ और कौन से ईयर में शुरू हुआ। तो ये इससे बहुत पहले की बात है, 1984 में हमने अपने कोलकाता शहर में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो इसके पहले 1863 में लंदन में सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हुआ था, जो बहुत फेमस भी है, उसको लंदन अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता है। वो आज भी वो लाइंस अवेलेबल हैं और वो चल रही हैं। बेसिकली 1990 के टाइम तक इन्होंने अपने लंदन में इस इन जो अंडरग्राउंड ट्रैक्स है इसको इन्होंने इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया। सॉरी, 1984 में हमने शुरू किया था। वर्ल्ड में देखें 1863 पे सबसे पहला मेट्रो अंडरग्राउंड रेलवे शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान किसको कहते हैं या किसको कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, निर्वाणा, बी रत्ना, सी कैवल्य और डी जिना। आंसर है हमारे पास कैवल्य, सी। ठीक है, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज कैवल्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट एवर रेलवे बजट इन इंडिया हेल्ड इन, सबसे पहला भारत में रेलवे के लिए बजट कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925 एंड ऑप्शन डी से 1926। तो इसका आंसर है हमारे पास, चलिए देखते हैं, आंसर सी 1925 को सबसे पहला बजट, रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था भारत में। और अगर डेट की बात करें तो ये हुआ था 3 फरवरी 1925 को, 3 फरवरी 1925 को सबसे पहला रेलवे बजट पेश किया गया था भारत में। अगर हम बात करें आज़ाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो वो हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले रेलवे बजट को पेश किया गया था नवंबर 1947 को। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट टू का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एट व्हाट टाइम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया फ्लैग्ड ऑफ। आपने देख लिया ट्रेन कितनी, सबसे पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, और आप बताने वाले हो कि सबसे पहली ट्रेन कब और कहां से चली थी। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहली ट्रेन कितने बजे चली थी। ठीक है, इंडिया में सबसे पहली ट्रेन, ये बहुत बड़ा, बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था। आपको भी पता है कि रेलवे कितना इम्पोर्टेंट है और मैं शुरू में इस बारे में बात भी कर चुका हूँ। तो वो कितने बजे चला था, डेट पता है, जगह पता है, डिस्टेंस पता है, अब बारी है किसकी, टाइम की, कि कितने बजे सबसे पहली ट्रेन इंडिया की फ्लैग ऑफ किया गया था, हरी झंडी दिखाई गई थी, कितने बजे दिखाई गई थी। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए सैटरडे 8:50 AM, शनिवार को सुबह 8:50, ऑप्शन बी बोलता है संडे 1:30 PM, रविवार दोपहर 1:30 बजे,
ऑप्शन सी बोलता है सैटरडे 3:35 PM, शनिवार दोपहर 3:35 और संडे 11:30 AM, मतलब रविवार को सुबह 11:30 पर। आंसर देखते हैं, आंसर सी सैटरडे 3:35 PM, मतलब इंडिया की सबसे पहली ट्रेन, दिन था शनिवार, समय था 3:35 को चली थी। कहाँ से चली थी, कहाँ तक चली थी और कब चली थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प हो सकती है, कोई इससे बेनिफिट ले सकता है, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो प्लीज़ 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 फिर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्लीज़ हमको बताएँ, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएँ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे कमेंट्स के जवाब दें। और एक छोटा सा काम और करना है आपको, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन, जानते हो आप क्या काम आता है बेल आइकॉन, आपको सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी अपडेट्स मिस नहीं होगी, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी हमारी। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस सीरीज़ में हमारे टॉप 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, राइट? आपने दूसरा वीडियो तो देख लिया, बट आप पहला वीडियो भी देखें, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आपको आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। आपको लिंक आई बटन में दिख जाएगा, और कमेंट्स करके बताएं हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care guys.